नमस्कार, लाइव खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीष पांडे और अब खबर विस्तार से। रोहतक में नगर निगम चुनाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर यश गर्ग ने नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इस चुनाव में 257 बूथों पर मतदान होगा। मतदान डालने की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम को 4:30 बजे तक चलेगी। इस चुनाव में 2,77,606 वोटर 257 पोलिंग बूथों पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि 72 अति संवेदनशील और 68 संवेदनशील बूथों पर पुलिस की पैनी नजर होगी, जिसके लिए रोहतक शहर में आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी तक कर दी गई है। हमारे यहाँ पे टोटल 257 बूथ्स हैं, जिसके अंदर टोटल 72 हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं और 68 सेंसिटिव बूथ हैं। तो हमने जितने भी सेंसिटिविटी को देखते हुए पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध बूथ लेवल के ऊपर किए हैं। इसके अलावा हमने पूरे शहर का सीलिंग प्लान तैयार किया है। जितने भी मुख्य मार्ग अंदर और बाहर जाने के हैं शहर के, वहाँ सब पे 24/7 नाकाबंदी की गई है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।